हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग गाइस बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जिसमें गाइस आपका जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस का टाइम टेबल है ये डिटेल में दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे दिया है आपका जो एडमिशन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, ये गाइस 9th of June से स्टार्ट हुआ था, जो 25th of June तक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू रहने वाला है। आप लोग देख सकते हो आगे प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पर आप लोग को 25th of June तक ये प्रोसेस कंप्लीट करने का है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्री एनरोलमेंट फॉर्म्स मैंडेटरी, ये आपको 25th of June तक ही करने का है, 1 बजे तक ये प्रोसेस कंप्लीट करने का है। मतलब कॉलेजेस के फॉर्म भी यहाँ पे आपको 1 बजे के पहले भरने के हैं। इन हाउस एडमिशन एंड माइनॉरिटी कोटा एडमिशन टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और यहाँ तक आपका जो आपको इन हाउस वगैरह या माइनॉरिटी कोटा का एडमिशन है ये भी यहाँ तक फिनिश हो जाएगी। एंड देन उसके बाद गाइस आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने वाला है 29th of June को, और उसके बाद 30 June से लेके 6 June तक के बीच आपको फिर से क्या करने का है, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, मतलब एडमिशन प्रोसेस जिनको मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनका एडमिशन प्रोसेस होगा, और जिनका नहीं आया है उनको या किसी को अदर कॉलेजेस में चाहिए तो वो चेंजेस सब कर सकते हैं इसी बीच में। और 7th of June को जुलाई को आपका सेकंड मेरिट लिस्ट गाइस लगने वाला है, जो सुबह 11 बजे लगेगा। एंड देन उसके बाद 8th of July से लेके 13th of July तक फिर से अगेन आपको एडमिशन प्रोसेस करने का है जिनको मेरिट लिस्ट में नाम आया है, और जिनका नहीं आया है वो फिर से क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिलिंग में कुछ एडिट वगैरह करने का रहेगा तो कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका थर्ड मेरिट लिस्ट 14th of July को लगने वाला है, और इसका भी एडमिशन का जो प्रोसेस है गाइस ये 14th of July से लेके 16th of July, मतलब 2 दिन के बीच में ही इसका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देने का है। तो इस तरह से गाइस मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टाइम टेबल आया है। तो आपका मेरिट लिस्ट गाइस फर्स्ट मेरिट लिस्ट 29th of June को है, ये फर्स्ट थिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड थिंग 25th of June के पहले अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपका जो भी नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाए, अदरवाइज आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।